बाद सिद्धार्थ आनंद ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग की भी तैयारी में आ रहे हैं नजर। इन बातों में है कितनी सच्चाई और कितना झूठ, चलिए जानते हैं। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म वॉर बॉक्स ऑफिस पर आए दिन सफलता की एक नई कहानी लिख रही है। फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। हाल ही में वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन ने बैंग बैंग को लेकर कुछ खुलासे किए। खास बात यह है कि फिल्म ने सफलता के मामले में भारत की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने फर्स्ट डे फर्स्ट कलेक्शन से ही 50 करोड़ की कमाई की। आपको बता दें, सिद्धार्थ ऋतिक के साथ में ये दूसरी फिल्म है। बैंग बैंग कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रही है। हाल ही में सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन से फिल्म के सीक्वल को लेकर जब सवाल किए गए तो बड़े मजेदार अंदाज में टाइम्स नाउ से बात करते हुए दोनों ने बैंग बैंग के सीक्वल बनाने की बात को रिफ्यूज नहीं किया, मगर यह बताया कि बस बनने का इंतजार ही चल रहा है। लगता है फिल्म वॉर के बाद बैंग बैंग की भी तैयारी है। सिद्धार्थ और ऋतिक ने इशारों इशारों में कह दी ये बात सारी। सिद्धार्थ ने बताया कि ऋतिक रोशन से पूछो, जब वह बोल देंगे मैं रेडी हूँ तब मैं फिल्म बना लूंगा। इस पर ऋतिक हंसने लगी और कहा कि मैं फिल्म आने का इंतजार कर रहा हूँ और बेताब हूँ। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे सभी ने खूब सराहा। ये एक फ्रेंचाइजी है जिसकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसलिए इस पर एक्टर ऋतिक रोशन ने कुछ अलग बातें तो नहीं की, मगर उन्होंने बस इतना बताया कि आप सिद्धार्थ के फेस पर झूठ साफ देख सकते हैं। कौन किसका इंतजार कर रहा है? वैसे आपको क्या लगता है कौन किसका इंतजार कर रहा है? देखना है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या रंग लाती है। बैंग बैंग के सीक्वल में कौन बनेगा इनका साथी? क्या आप जानते हैं कि ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ के फैन हैं? हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने बताया कि वह ऋतिक रोशन को बहुत पसंद करते हैं। अब सुपरस्टार ऋतिक ने कहा कि टाइगर एक बेस्ट को एक्टर है। हाल ही में बॉलीवुड लाइफ को दिए गए एक साक्षात्कार में ऋतिक रोशन ने बताया कि टाइगर श्रॉफ असाधारण और महान है। आगे वो कहते हैं, टाइगर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं जो वाकई काबिले तारीफ है। ऋतिक रोशन ने कहा कि अब तक मैंने जितने कलाकारों के साथ काम किया है उन सब में टाइगर बेस्ट है। ऋतिक रोशन ने आगे कहा कि टाइगर श्रॉफ बेहद ही ज्यादा प्रोफेशनल है। हम दोनों एक दूसरे की काफी सराहना करते हैं, हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऋतिक रोशन ने बताया कि मुझे टाइगर की बहुत परवाह है। उन्होंने घुंघरू सॉन्ग के स्टेप का भी जिक्र किया और कहा कि यह स्टेप कोरियोग्राफ नहीं किया गया था। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज पर जल्द से करिएगा कमेंट, और अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा राय और मैं हूँ पूनम। आज के लिए बस इतना ही।